भारत माता की। त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश में महापुरुषों की मूर्तियां गिराने का नया चलन चला है। सड़क से संसद तक बवाल मचा है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बेलोनिया सब डिवीजन में रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को बाकायदा जेसीबी से गिरा दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के जनक और दलितों के आदर्श माने जाने वाले पेरियार की मूर्ति पर हथौड़ा चला। कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति की शामत आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति गिरा दी गई। सवाल यह है कि मूर्ति पूजकों का यह देश मूर्ति भंजकों का देश कैसे हो गया? ये सिर्फ कोई गुस्सा है या ये सब एक डिजाइन के तहत किया जा रहा है? सिलसिले को देखने से तो लगता है कि मामला डिजाइन के तहत है। क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव का वो ट्वीट जो ये कह रहा है कि मूर्ति रशिया में नहीं त्रिपुरा में गिराई जा रही है कोई मजाक था? हालांकि ट्वीट बाद में हटा लिया गया, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। पेरियार की मूर्ति गिराए जाने के मामले में भी बीजेपी के नेता एच राजा ने पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी। वीएचपी नेता विनोद बांसल ने तो आग में घी ही नहीं पेट्रोल का पूरा ड्रम उड़ेल दिया। ट्वीट कर कहा कि भारत की जनता क्रूर शासकों के गुलाम चिन्हों को आखिर कब तक ढोएगी? सेक्युलरिस्टों का बस चलता तो आजादी के बाद भारत में क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम और साइमन जैक को पूजा जा रहा होता। नहीं, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा से नफरत का नंगा नाच है। क्या भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसे अहंकार और नफरत के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से फ्रिंज एलिमेंट्स के नाम पर उदारवादियों और अल्पसंख्यकों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। पहलू खान और जुनैद को तो भूले नहीं होंगे ना आप। कोई कह सकता है कि केंद्र सरकार इन मामलों को लेकर संजीदा है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति गिराए जाने की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो इस तरह की घटनाओं से दूर रहें। लेकिन राजनीति में दो चीजें सुविधा के मुताबिक होती हैं, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल पोस्चरिंग, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक दिखावा। लेनिन की मूर्ति गिराए जाने के करीब 48 घंटे बाद आई प्रधानमंत्री की दखलंदाजी के बावजूद मेरठ में अंबेडकर का मूर्ति भंजन तो कुछ और ही कहता है। तो क्या ये लव जिहाद और गोरक्षा के बाद की नई कड़ी है? तो क्या ये राष्ट्रवाद और विचारधारा के नाम पर गुंडों और लफंगों को अपनी मनमानी करने देने की नई हरी झंडी है? अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। इस संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को समझना होगा कि गुंडों की कोई विचारधारा नहीं होती।